अनदर पॉइंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकांत और शांत इन्वायरमेंट, पीस इन्वायरमेंट। अक्सर ये देखा गया है कि आज जब भी आप अपना पढ़ाई स्टार्ट करें तो अपने परिवार का, अपने घर का एक ऐसा रूम खोजे जहाँ पे खटरपटर की आवाज़ नहीं हो, फैमिली लोगों का डिस्टर्बेंस भी कम हो, टीवी का साउंड भी नहीं आए। एक्चुअली होता क्या है, जो शांत इन्वायरमेंट में इंसान बातों को, पढ़ाई को ज़्यादा कैच करता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर जितना हो सके अपने रूम को शांत बना के रखें और उठा पटक से बचा के रखें। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, स्मॉल ब्रेक्स इन बिटवीन स्टडी। यानी आप पढ़ाई के बीच में, एग्जाम के पीरियड में वैसे भी थोड़ा इंसान ज़्यादा रूटीन चेंज हो जाता है, तो आप छोटा छोटा ब्रेक लेने का प्रयास करें। ऐसा माना गया है जो 1.5-2 घंटे का रेगुलर पढ़ाई के बाद एक 5 से 10 मिनट का, चाहे 10 से 15 मिनट का ब्रेक चाहिए। उस ब्रेक में आप क्या कीजिए, हो सकता है थोड़ा आप बाथरूम चले गए, पानी पी लिए, थोड़ा टहल लें और थोड़ा घूम फिर लें। ये भी हो सकता है, एक भी इम्प्लीमेंट किया हुआ मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप सो जाइए, लेट जाइए, आँख बंद कीजिए, अपने जो 1.5-2 घंटा जो पढ़ा उसको रिकॉल करने का प्रयास कीजिए, मन मन में बुदबुदाइए। अगर ये भी पॉसिबल नहीं तो किचन में चले जाइए, एक गर्मा गर्म चाय बना लीजिए, गर्मा गर्म चाय बनाकर पी लीजिए, कुछ फ्रूट्स खा लीजिए, कुछ सलाद काट लीजिए और खा लीजिए। ये तो एक छोटा सा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में आप किसी भी सेक्टर में जाइए, ब्रेक बनता तो है। नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अधिकांशतः विद्यार्थी इसको छोड़ देता है, वो है रेस्ट, टेक ए रेस्ट और स्लीप, सोना जरूरी है। जिस तरह कोई भी मशीन, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग, एक रेगुलर काम करने के बाद उसको रेस्ट चाहिए। अगर वो रेस्ट नहीं करता है तो उस मशीन का, चाहे उस बॉडी का इफिशेंसी, पावर घट जाता है, काम करने की क्षमता घट जाती है। ऐसा माना गया है मेडिकल साइंस में, एक इंसान को कम से कम 6 से 8 घंटा सोना चाहिए। अब ठीक है, आप 8 घंटा मत सोइए, आप जनरल रूटीन में आप 8 घंटा सो सकते हैं, लेकिन कम से कम 6 घंटा से कम भी मत सोइए। अब सोने का पढ़ाई से क्या है, इंसान सोता क्यों है, तो सोने के पीछे का एक बायोलॉजिकल साइंस ये कहता है, जो सोते हैं तो आपका सेल एनर्जी को रिकवरी करता है। अगर आप नहीं सो पाइएगा तो आपका जो फ्रेशनेस है वो नहीं रह पाएगा। चलो इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। आप किसी शादी ब्याह में गए होंगे, चाहे किसी फंक्शन में गए होंगे, आपने रात भर जगा, पक्का आप अगले दिन आपके काम करने का एफिशिएंसी घट जाएगा। आप दिन भर आपके अंदर एक चुस्ती फुर्ती जो होता है, सुस्तनेस रहता है, रेस्टलेसनेस, आपके अंदर थकान महसूस होगा, आप काम नहीं कर पाइएगा। स्टूडेंट है, अगर आप रात भर आपने कोई किसी कार्यक्रम में गए, किसी फंक्शन से लौट कर आए, अगर आप सुबह क्लास करने आ गए, देखिएगा आपके अंदर कोई बात कैच ही नहीं होगा, आपके अंदर अनिंद्रा होगा। आप नींद पूरा नहीं होने से एक ऐसा माना गया है जो मेमोरी लॉस होता है। तो कम से कम मेरा एक आग्रह है जो एग्जाम पीरियड में कम से कम 6 घंटा जरूर सोए। बहुत सारे विद्यार्थी से मेरी बातचीत होती है, जब वो एग्जाम देकर आता है, एग्जाम के पहले पूरा पढ़ता है, रात भर जगता है, बहुत ही गलत हैबिट्स है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कम से कम एग्जाम के पहले वाली रात आप पूरा मजा से सोएं, एक लंबा नींद लें। लंबे नींद के बाद आपका मेमोरी, आप सुबह जब उठेंगे तो आपके अंदर फ्रेशनेस रहेगा और एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाइएगा। अगर आप रात भर जगते हैं, सुबह जब आप एग्जाम पहुंचते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो ये आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, आपके अंदर आपके मेमोरी को लॉस करेगा। अनिंद्रा आपके मेमोरी को वीक करता है। इस बात को आप जितना जल्दी समझ जाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, न्यूट्रिशन डाइट, माय फेवरेट, अक्सर मैं क्लास में बच्चों को बताता हूँ इसके बारे में, न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस। एग्जाम पीरियड भर आप सोचेंगे जी एग्जाम का खान पान से क्या लेना देना, आवर फूड प्ले ए की रोल इन आवर एग्जाम पीरियड। कैसे, चलो इसको देखते हैं। अगर आप स्पाइसी फूड लेते हैं, ऑयली फूड लेते हैं, स्ट्रीट फूड लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो एग्जाम पीरियड में डब्बा बंद सामान ज़्यादा खाते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक्स ले लिए, एक चाउचाऊ ले लिए, चाहे लेज ले लिए, कुरकुरे ले लिए, खा लिए, पहली बात तो ये आपके स्टोमेक को ठीक नहीं रखेगा, दूसरी बात ये आपके शरीर को न्यूट्रिशन नहीं देगा। कहा भी गया है एक हेल्दी माइंड को हेल्दी फूड चाहिए। एग्जाम के पीरियड में आप रेगुलर बैठते हैं, बैठकर पढ़ना भी चाहिए, सोकर तो लेटकर पढ़ना ही नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बैठने के पीरियड में क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर स्ट्रांग नहीं रहा तो आपके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे। तो जितना हो सके इस जितने भी फूड हैं इन सब को एग्जाम पीरियड अवॉइड कीजिए। आप जितना हो सके पानी पीने का प्रयास करें,
आप जितना पानी पीजिएगा उतना ही आपका माइंड शार्प होगा। आप फ्रूट्स ले सकते हैं, ग्रीन सलाद ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल खा सकते हैं, हल्का फूड ले, लाइट फूड ले, हेवी फूड एग्जाम भर नहीं ले, छोटा छोटा खाएं, दो तीन बार खाएं, तीन चार बार खाएं, लेकिन हल्का भोजन करें। तो ये स्ट्रांगली मेरा सजेशन है, आप इसको फॉलो करें, आपके एग्जाम को, एग्जाम पीरियड को ये बेहतरीन बनाए। नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, सुबह की पढ़ाई, मॉर्निंग स्टडी, ये बहुत लोग सजेस्ट भी करते हैं, मेरा भी एक सजेशन है। इंसान सोकर जब उठता है तो उसका दिमाग तरोताज़ा रहता है। मॉर्निंग पढ़ाई से पहले मैं आप क्या एक सजेशन देना चाहता हूँ, आप जग कर तुरंत पढ़ने मत बैठ जाइएगा, आप जगिएगा, पानी पीजिएगा, फ्रेश होइएगा, एक ब्रेक होना चाहिए, कुछ देर का ब्रेक लीजिए, उसके बाद पढ़ना शुरू कीजिए। वैसे भी हमारे धर्म में और शास्त्रों में ब्रह्ममूत्र का बड़ा इंपॉर्टेंस है, सुबह 3 से 4 जगना ये ब्रह्ममूत्र माना गया है, और इस मुहूर्त में जो भी जगते हैं उसका दिमाग बड़ा शांत होता है और आप अपने स्टडी को बहुत आसानी से कैच कर पाएंगे। तो ब्रह्ममूत्र में जगिए और 3 से 4 से आप स्टार्ट पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, 7-8 बजे तक पढ़िए, ये जो 3-4-5 घंटे का जो स्टडी है आपके दिन के इसका डबल, आप 8 से 10 घंटे का इक्वल है सुबह का 4 से 5 घंटा। तो आप प्रयास कीजिए, सुबह जगिए और इसको पढ़िए, ऐसा भी सब जगह ये माना गया है कि सुबह का पढ़ना सबसे बेहतर स्टडी माना गया, सबसे अच्छा समय माना गया। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, तनाव से भरसक बचने का प्रयास करें। अब तनाव से बचे कैसे, एग्जाम है तो तनाव तो हो ही होगा। इस पॉइंट में मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें, मैं कुछ अपने मन की बातें कहना चाहता हूँ। आप तनाव से बचने का मैं एक बहुत सिंपल फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, आप योग करें, प्राणायाम करें। वैसे तो बहुत सारे योग हैं, मैं अपना एक फेवरेट बता रहा हूँ जो स्टूडेंट को, प्रत्येक स्टूडेंट को करना चाहिए। आप यूट्यूब पर जाएंगे आपको ये मिल जाएगा, उस प्राणायाम योग का नाम है भ्रामरी। आप इसको कीजिए, रेगुलर कीजिए, पहले 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए, फिर इसको 5 मिनट ले जाइए, 5 से 10 मिनट कीजिए, 5 बार कीजिए, 5 दिन कीजिए, उसके बाद देखिए आपके अंदर एक चमत्कारी परिवर्तन नहीं हुआ तो आप मुझसे मिलिएगा, कहिएगा, ये आपके अंदर एक बहुत ही चमत्कारी परिवर्तन लाने वाला है। सो स्पेशली आई सजेस्ट यू डू इट रेगुलरली, आपके अंदर एक बेहतरीन परिणाम लाएगा। योग तनाव को घटाता है, योग स्ट्रेस को घटाता है, प्राणायाम आपके शरीर के तंदुरुस्त रखता है। जब मैं बच्चे को यह सजेस्ट करता हूँ तो बच्चे सब कहते हैं सर समय ही नहीं मिलता है। तो मेरा इस पर एक कहना क्या है, कभी कभी इंसान कुछ मिनट बचाता है और घंटों बर्बाद कर देता है। आप सुबह के कुछ मिनट, इसे तो बर्बाद कहना इसको नहीं कहेंगे, आप जितना जल्दी आपने आपके डेली रूटीन में योग को शामिल कीजिए, प्राणायाम को शामिल कीजिए, आपका एक, आपके शरीर का एक अलग ही डेवलपमेंट नहीं हुआ तो आप कहिएगा, तो आप इसको बर्बाद नहीं करते हैं। कुछ लोग योग को करना, प्राणायाम को करना समय की बर्बादी मानता है। मैं आपसे स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ, बार बार करता हूँ, अगेन एंड अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप तनाव से बचना चाहते हैं, एग्जाम के पीरियड नहीं, भविष्य में भी किसी भी सेक्टर में, तो योग प्राणायाम को जितना जल्दी आप अपने लाइफ में शामिल कीजिएगा उतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अनदर पॉइंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट माना गया है, ऑब्जर्व और वाच प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। आप पिछले साल के, आप रेगुलरली 8-10 साल का जो क्वेश्चन है उसको आप रीड कीजिए। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा, कितने MCQ हैं, मल्टीपल चॉइस हैं, कितने शॉर्ट हैं, कितने लॉन्ग हैं, ये सब आपको पता चलेगा। साथ ही साथ जो सिलेक्टर्स हैं उसके आप माइंड को रीड कर पाइएगा। तो ये भी कहा जाता है जो इंसान पिछले साल को क्वेश्चन को ज़्यादा स्टडी करता है, उस पर ज़्यादा फोकस करता है, उसका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिविजन, रेगुलरली और प्रॉपरली। रिविजन से होता है जब आप जो भी पढ़े हुए हैं उसको एक बार रिविजन करें। ऐसा माना गया, ऐसा कहा जाता है रिसर्चों में, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में 24 घंटे तक रहता है। अगर 24 घंटे के अंदर में आप उसका रिवीजन कर लेते हैं तो वो नेक्स्ट 7 डेज तक रहता है। 7 डेज के बाद अगर आप फिर उसको रिवीजन करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म रहता है। तो आप कितना पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता, आप कितना उसको रिवीजन करते हैं। एग्जाम से पहले ये भी माना गया है जो आप न्यू टॉपिक मत पढ़िए, एग्जाम से पहले आपने जो भी पढ़ा है उसको आप एक बार रिवाइज्ड कीजिए, प्रॉपरली सारे टॉपिक्स को देखिए, ये आपके मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक रहेगा और आपके एग्जाम में ये बेहतरीन रिजल्ट देगा। एंड इन लास्ट, टेक ए चिल, डोंट पैनिक,
बी कूल, बी हैप्पी। यह सिर्फ एक एग्जाम है और कोई भी एक एग्जाम आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता है। मैं फिर से एक बात दोहराना चाहता हूँ, यह एक एग्जाम है और कोई एक एग्जाम आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता है। तो आप जितना रिलैक्स रहें उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। माना आप अपना 100% दीजिए, 100 नहीं 200% दीजिए। आपके हाथ में आपका परिश्रम है, आपके हाथ में आपका मेहनत है, आपके हाथ में आपका लगन है, ईमानदारिता है। आप जो करना है कीजिए, लेकिन आपसे जितना हो सके कीजिए। पैनिक मत रहिए, स्ट्रेस में मत रहिए, तनाव में मत रहिए, इसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। रिलैक्स मूड में एग्जाम दीजिए। आप अपने ऊपर प्रेशर मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। या आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट है या आपकी ज़िंदगी नहीं है, इसलिए मस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपके आने वाले एग्जाम के लिए, अभी के एग्जाम के लिए और फ्यूचर में जितने भी एग्जाम हैं उस सबों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है, मेरा बहुत सारा प्यार है। आपका एग्जाम बेहतरीन हो इसकी कामना करता हूँ, बेहतर हो, शानदार हो, इसकी भी इसके लिए बहुत सारी दुआएं देता हूँ। और हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, आप अपने पेरेंट्स को दिखलाइए, अपने भाई बहनों को दिखलाइए, और उसके अंदर जो एग्ज़ाम का डर है उस डर को ख़त्म करने का प्रयास कीजिए। आप जितना इसको शेयर कीजिएगा, जितने लोगों में भेजिएगा, उतना ही उन लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट होगा। तो आप, मैं लास्ट में यही रिक्वेस्ट करने का प्रयास करता हूँ, जो आप मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए उसको फॉलो कीजिए। आपका, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन होगा। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, जो भविष्य में, निकट फ्यूचर में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो बहुत ही शानदार होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। तो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड ए लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग फॉर योर ऑल एग्जाम्स।